नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का और आज बात होगी यूपी की, जहां संबल सियासत के केंद्र में है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने में लगा हुआ है। इसी बीच पहले समाजवादी पार्टी ने संबल जाने की जिद ठानी, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी संबल चलो का नारा बुलंद किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरह ही कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को भी पुलिस ने संबल जाने से रोक लिया है, जिसके बाद हंगामा भी हुआ। हालांकि सवाल यह है कि आखिर क्यों संबल पर सियासत तेज है, तो आज देखिए संबल सियासत संविधान 2027 में किसका विधान। जिस दिन प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन संभल जरूर जाए। वो सौहार्द नहीं हो पा रहा, जाने देने ताकि लोगों को सौहार्द हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ। यूपी का जिला संभल, वो इलाका जो आजकल सियासत का केंद्र बना हुआ है, वजह है शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान मची हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मस्जिद का दूसरी बार सर्वे करने आई टीम और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस के बाद हिंसा ऐसी भड़की कि पूरा संभल जल उठा। लेकिन अब धीरे धीरे संभल संभलने लगा है, लोग अपने कामों पर लौटने लगे। मस्जिद में नमाज पहले की तरह अदा की जा रही और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। एक तरफ संभल में हालात सामान्य हो रहे तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के समर्थकों की आपसी लड़ाई में अगर कोई वहां पर इस प्रकार की घटना घटी है और उसके बाद समाजवादी पार्टी ही 5-5 लाख रुपए एक मुआवजा बांट रही है, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर मुस्लिम वोटों की एक फिर से मंडी खड़ी करना। और 5 लाख फिर क्यों दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं 5-5 करोड़ दे दो, आपके पास देने के लिए है, लेकिन यह 5-5 लाख रुपया देने का विषय कहां से आया? सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना कभी नहीं होती। अगर इस घटना के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस घटना के लिए दोषी है। वो नहीं चाहते कि समाज में शांति हो, समाज की शांति खत्म करके ही तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ प्रशासन ने संभल में शांति बहाली के लिए बाहरी लोगों की एंट्री पर 10 दिसंबर तक रोक लगा रखी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार संभल में जाने की जिद पर अड़ा है। पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने के लिए निकला था, जिसे पुलिस ने रोक लिया, तो अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने के लिए निकला, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभल जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ दर्जनों कांग्रेस नेता वहां जाने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय के गेट पर ही रोक लिया। कार्यकर्ता पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। संभल जाने से रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जा रहा था, वो यहाँ पर निकले थे प्रदेश कार्यालय से। हालांकि रात से ही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो कैंप कर रहे थे और उसके बाद वो यहाँ से निकल रहे थे, और जिसके बाद यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा करके यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं उनको यहाँ पर रोक दिया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा करके उनको रोक दिया है। यहाँ पर
पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिल रही है। और ये देखिए, यहाँ पर पुलिस ने कांग्रेस के जो डेलीगेशन जो निकला था संभल जाने के लिए, उसको अंदर प्रदेश कार्यालय के अंदर वापस भेज दिया है और ये वापस जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा आपको दिखा देगी। कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम जो सुरक्षा जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर तैनात है और ये वापस जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो वापस से अंदर प्रदेश मुख्यालय के अंदर आ गए हैं। उधर अजय राय पुलिस के रोकने के बाद भी धरने पर बैठ गए, साथ ही प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी प्रतिबंध हटेगा हम वहाँ जाएंगे, सच्चाई प्रदेश के जनता के सामने रखेंगे। हम सब लोग संभल जरूर जाएंगे, जिस दिन प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन संभल जरूर जाएगा। कब प्रतिबंध हटने वाला है और क्या फिर? तो प्रशासन बताएगा, सरकार बताएगा कि मैं बताऊंगा? ये मैंने ये कहा है, मैं धरने बैठा था, इन्होंने कहा है कि आपको 10 तारीख के पहले अवगत करा देंगे। कांग्रेस ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी। रविवार की रात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यालय में ही रात बिताई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नेता रविवार की शाम को ही लखनऊ पहुंच गए थे ताकि सभी सोमवार की सुबह एक साथ रवाना हो सके। वहीं अजय राय को पुलिस ने नोटिस भी दिया और अपील की कि वो संभल ना जाए। उधर संभल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। वहीं कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता आराधना मिश्रा को भी घर पर नजरबंद कर दिया गया। आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार की तानाशाही और हिटलर शाही प्रदेश की जनता देख रही है, आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी कांग्रेस का जो डेलीगेशन जा रहा था उसकी सदस्य आराधना मिश्रा मोना हैं। इनको यहां पर हाउस अरेस्ट किया गया है और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहां से निकल रही थी संभल, इनको संभल जाना था और अपने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन लखनऊ पुलिस, आप पीछे तस्वीरों में कहूंगा कैमरा पर्सन से ये दिखाएं कि यहां पर जो लखनऊ पुलिस है वो यहां पर इनके घर पहुंची और इनको नजरबंद कर दिया गया। मैम क्या हुआ और आप कहां जा रहे थे, पुलिस क्यों आई है आपके घर? हम लोगों ने एक राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और दूसरी बात 163 कहां लागू है, संभल में लागू है ना। ये तो मेरा घर है, लगभग 300 किलोमीटर दूर है संभल से। आप मेरे घर में मुझे कैद कर देंगे, आप मेरे घर का गेट बंद कर देंगे, पुलिस लगा देंगे। जिस तरह का वातावरण संभल में है आप उसको पूरे देश से छुपा करके क्यों रखना चाह रहे हैं? तो ये पूरी तरह से अराजकता है, सरकार की गुंडागर्दी है, लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोकने को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर तानाशाही के आरोप लगाए। लोगों को जाने नहीं दे रहे तो एक सौहार्द तो होना चाहिए, वो सौहार्द नहीं हो पा रहा। जाने देने ताकि लोगों को सौहार्द हो। हम लोग जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे, प्रियंका जी भी जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे और हमने तो आज नोटिस भी दिया है। ये जो कुछ देश के अंदर हो रहा है ठीक नहीं है। देखिए संभल में हुआ, बदायूं में हुआ, उसके बाद अजमेर में हुआ। सरकार की यही मंशा है कि अपनी साजिश को, नाकामी को छुपाने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं, जबकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम वहां जाकर के उन दुखी परिवार, पीड़ित परिवार के दुख में शरीक होना चाहते हैं जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई है। उधर बीजेपी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जानबूझकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही, वो नहीं चाहती कि संभल में स्थिति सामान्य हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम। अब वहां जाकर के ये केवल मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण के लिए जा रहे हैं कि देखिए आपके हक और हकूक की बात हम करते हैं और पार्लियामेंट जिसका एक एक मिनट में लाखों रुपए खर्च होते हैं दोनों सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तो ये उनको संतुष्ट कर रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोटों की फसल काटने के लिए केवल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलने वाली है। आज की तारीख में संभल सियासत का केंद्र बना हुआ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति किसी भी दल या पार्टी को शोभा नहीं दे, क्योंकि अगर इस पर सियासत होती रही तो फिर संभल में फैले हिंसा की आग कभी नहीं बुझने वाली।